प्रखंड कार्यालय सिल्ली में हुआ केसीसी ऋण वितरण शिविर का आयोजन। यूनियन बैंक सिल्ली एवं मुरी की ओर से सिल्ली प्रखंड कार्यालय परिसर में किसानों के बीच केसीसी ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। ऋण शिविर के मुख्य अतिथि विधायक सुदेश कुमार महतो एवं जीप उपाध्यक्ष वीना चौधरी, प्रमुख जितेंद्र बड़ाई, उप प्रमुख आरती देवी, वीडियो पवन आशीष लकड़ा, जीप सदस्य लक्ष्मी कुमारी तथा विभिन्न पंचायतों के मुखिया आदि ने विभिन्न गांवों के कुल 172 किसानों के बीच केसीसी ऋण स्वीकृति पत्र का वितरण किया। इस मौके पर उपस्थित यूनियन बैंक के डिप्टी जोनल हेड आलोक कुमार ने बताया कि इसके माध्यम से किसानों को 4,85,00,000 रुपए के ऋण दिए जाएंगे। इस मौके पर चीफ मैनेजर RABD राजीव रंजन, मुरी शाखा प्रबंधक दिनेश कुमार, सिल्ली शाखा प्रबंधक अमूल कुमार, RDO सिल्ली रीसा वरन, सरिता मुंडा समेत प्रखंड के मुखिया एवं कई किसान मौजूद थे। देखिए सिल्ली से थंडर न्यूज संवाददाता अरविंद विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। किसान को चिन्हित करके करीबन 5 करोड़ के आसपास का राशि वितरण करने का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है लोन के रूप में, जहां छोटे मझले किसान अपने जरूरतों के आधार पर लोन अप्लाई की। और एक अच्छा आज लगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक वरीय पदाधिकारी भी आज ब्लॉक में आए और आने के बाद इस काम में सहयोग किए। सार्वजनिक इस रूप से सरकार की चलने वाली योजना खासकर लोन में इस बात की हमेशा शिकायत बनी रहती थी कि बैंक ऑपरेट नहीं कर रहा है, लेकिन आज एक नया स्वरूप में बैंक सामने है। मैं यूनियन बैंक के सभी पदाधिकारियों को अपनी ओर से बधाई और भविष्य में भी ऐसे कॉपरेट करने की उम्मीद करते हैं। प्री प्लान गवर्नमेंट का होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि जैसे हमारे यहाँ सुपाड़ की जो स्थिति बनते जा रही है, गवर्नमेंट पर वक्त नहीं लेना चाहिए, सरकार को निर्णय लेना चाहिए, वैकल्पिक के लिए किसान को रेडी रखना चाहिए। अगर केवल मुआवजा को खाली आधार बना दे तो लोग खेती करना छोड़ देंगे। खेती कराना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसान के अन्न से देश चलता है।